वेलकम बैक टू सना बिकी ब्लॉग चैनल ब्लॉग्स में और स्वागत है। तो गाइस मैं उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपना चैनल, पहले मेरा चैनल था और मैंने अभी ब्लॉग्स लिख लिया डायरेक्ट, चैनल को मैंने हटा दिया तो इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो गाइस इसे इग्नोर करिएगा। और देखिए अभी बहुत ही शाम हो चुकी है गाइस, मगर यहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत शाम हो गया, मगर अभी 6 बज गया है, 6:30 होने वाला है। तो गाइस देख लीजिए कितना अच्छा मौसम है। और गाइस शाम होने से बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। तो गाइस आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का अभी यहाँ कैसा मौसम चल रहा है। पता है कि अभी तो गर्मी है, सबके यहाँ गर्मी चल रहा होगा। तो गाइस आज मैं नॉर्मल ब्लॉग बना रही हूँ जैसे बनाती हूँ हमेशा। तो गाइस मैं कुछ इसमें नया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वो रेसिपी ये है नारियल का लड्डू, तो मैं आप लोगों के साथ नारियल का लड्डू शेयर करने वाली हूँ गाइस। और बहुत ही साउंड जा रहा होगा आसपास से, तो गाइस मेरा गेट खुला हुआ है और आस पड़ोस से आवाज़ आ रहा है, तो इसको भी इग्नोर करिएगा। बहुत चीज़ें इग्नोर कर दी, इसको भी करिएगा ताकि आपको ये आवाज़ आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गाइस मैं बहुत वो होता है, बहुत बार बोलती हूँ, मैं हमेशा, मेरा पता नहीं आदत हो गया, मैं वीडियो बनाया इससे पहले वाला ब्लॉग में भी मैंने बोला था ना, तो गाइस बहुत वो होता है, मैं ऐसे बोल रही थी, मतलब एक आदत सा बन गया है कि हर बात में वो होता है बोलती हूँ। तो गाइस तो आप लोगों ने नारियल का लड्डू बहुत ही बार देखा होगा, बहुत बार खाया भी होगा, देखा क्या होगा खाया भी होगा। तो गाइस हम लोग भी बहुत बार देखे हैं, तो इसलिए ना मैं आज रेसिपी ऐड कर रही हूँ कि मतलब एक होता है सबका अलग अलग तरीका से, तो वो भी मेरा तरीका से है गाइस। और मैं ना अपने तरीका से बना के देख रही हूँ कैसा लग रहा है, मतलब कैसे लगेगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा कैसा लगा रेसिपी। तो गाइस मेरा पता नहीं आदत हो गया ऐसे कर करके ना, ये नीचे आ गए गाइस, पता नहीं ऐसे बाबा करती रहती हूँ मैं, पता नहीं पागल जैसे। तो गाइस आप लोग रेसिपी देखने के बाद बताइएगा क्योंकि मेरा रेसिपी कैसा बना है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं वैसे इतना खाते नहीं हूँ, बट मुझे बनाना बहुत अच्छा लगा, मैं बना के बहुत एक्सपीरियंस ले रही थी कि कैसा लगता है बना के। तो मैंने एक ही दो बार बनाया होगा, ज़्यादा बार नहीं बनाया होगा, मैंने एक दो बार ही बनाया था। और गाइस मैंने वो एक ब्लॉग शेयर किया था कुछ दिन पहले, 2 वीक्स जैसा हो गया है। तो गाइस मैंने उसमें बोला था मैं अपना सीक्रेट शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, अगर आप लोग बोलेंगे तो मगर आप लोगों ने कमेंट किया ही नहीं और आप लोगों ने बोला ही नहीं। तो गाइस मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उसमें अपना सीक्रेट शेयर करूँ। तो गाइस आप लोग को अगर मेरा सीक्रेट देखना है तो आप लोग उसमें कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में, उसमें नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए कि आप लोगों को मेरा सीक्रेट वाला ब्लॉग देखना है, तो मैं उस ब्लॉग में उनको भी लेके आऊँगी, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको लेके आऊँगी। वैसे भी वो आने के लिए मना नहीं करते, मगर वो बोलते हैं यार तुम ही बना लो मैं क्या आऊँ, तो मैं उनको लेके आऊँगी। और गाइस आप लोग भी तो चाहते होंगे कि मेरा सीक्रेट जाने, तो गाइस मैंने बताया, पहले भी ब्लॉग में बताया था और अभी बता रही हूँ, तो वो ऐसा सीक्रेट है कि मेरा फैमिली मेंबर को ही पता है और फैमिली मेंबर में से एक ही इंसान है जिसको पता है, वो है मेरा दी है, उसी को पता है, बाकी किसी को नहीं पता सच में नहीं पता, ना मम्मी पापा को, ना किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मेरी दीदी को पता है और हमको पता है, 3 आदमी को पता है, इनको पता है और बाकी किसी को नहीं। तो मैं चाहती हूँ मैं सबको बताऊँ क्योंकि अपना लाइफ का बात है तो शेयर करना अच्छा लगता है। तो गाइस मैं सोच रही थी शेयर करूँगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी, और अभी नहीं तो मैं बाद में शेयर कर दूँगी या मैं इससे वाले अगले वाले व्लॉग में भी शेयर कर सकती हूँ। तो गाइस मुझे अब मेरा हाथ इतना दर्द होने लग गया, मैं हाथ से पकड़ूँगी कैमरा, मगर ये हाथ से पकड़ नहीं सकती क्योंकि ब्लॉगिंग हमेशा ये हाथ से होता है। तो गाइस इसको तब तक ले आप लोग रेसिपी देखिए, और ये कुछ बातें थी जो मुझे बोलने का मन था इसलिए मैंने बोल दिया। और गाइस रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं रेसिपी देखने के बाद, तब तक ले बाय।
तो है गाइस, देखिए मैंने सूखा वाला नारियल ले लिया है और ये ना सूखा हुआ है, इसे मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया क्योंकि हमें ग्राइंड करना है, तो आप लोग भी ऐसे ही काटिएगा। और गाइस देखिए मैं ग्राइंडर में रख दी हूँ, तो गाइस मैंने छोटा छोटा इसलिए किया क्योंकि ये सूखा हुआ है, अगर ज़्यादा सख्त हो तो मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा पीस में कट कर दिया। और देखिए ये पीसने के बाद ऐसे ऐसे भुरभुरा टाइप से पीसना है ऐसे, और इसमें कोई पानी वानी कुछ ऐड नहीं करना है, बस इसे पीसना है भुरभुरा टाइप से। तो गाइस देखिए मैंने दो बार करके पीसा था। तो गाइस मैं अब कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई अभी धीरे धीरे गर्म होगा। तो गाइस आप लोग पता ही होगा, आप लोगों को इसमें सबसे पहले घी ऐड करना है, और जस्ट मैंने घी 2 से 3 चम्मच घी डाला है। आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे, जितना अगर इसमें जितना घी हो उतना ही टेस्टी बनेगा। तो गाइस देखिए मैं घी को मिला ले रही हूँ, चम्मच भी बहुत गर्म हो चुका है घी, क्योंकि कढ़ाई भी बहुत गर्म हो चुकी थी। तो गाइस हम लोग इसमें जो नारियल को हम लोगों ने पीस के रखा था उसको इसमें मिला देंगे, और हमको गैस का फ्लेम जो है पूरा एकदम मीडियम से मीडियम रखिए गाइस। अगर ये थोड़ा भी अगर फास्ट हुआ तो आपका ये नारियल जो है नीचे से जल सकता है। तो गाइस ये सूखा नारियल है इसलिए जल्दी ये चिपकता है नीचे से, तो आप लोग देखिएगा मेरा भी ये मैं बना रही हूँ ना, तो नीचे से थोड़ा थोड़ा चिपकने का कोशिश हो रहा है, मगर मैंने चिपकने नहीं दिया गाइस और मैंने ना ही जलने दिया। देखिए आप हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग एकदम कम फ्लेम में इसे बनाएं। और देखिए मैं इसे चला लूँगी, उसके बाद मैंने करीब 5 मिनट तक भूना, उसके बाद मैंने चीनी रख दिया। तो गाइस देखिए चीनी आपको अपना स्वाद अनुसार रखना है, क्योंकि कोई ज़्यादा खाता है कोई कम, तो आप लोग अपना स्वाद अनुसार रख लीजिएगा। तो ये देखिए मैं इसे अभी पका रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था बनाने में, ज़्यादा मिनट भी नहीं लगा गाइस, एकदम कम से कम मिनट लगा। और अब इसमें मैं दूध मिला लूँगी गाइस, थोड़ा थोड़ा आपको दूध मिला के वैसे इसे फ्राई करना है। तो गाइस थोड़ा थोड़ा दूध जब मिलेगा तो बहुत अच्छा से ये फ्राई होगा, क्योंकि ये बहुत सूखा सूखा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा फ्राई करके ऐसे चलाते रहना है। गाइस देखिए दूध मिल गया है, और दूध मिलने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है, तो मैंने और दूध ऐड कर दिया ताकि और अच्छे से पके। और ये दूध जब तक पकता है तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी गाइस, और ये दोनों बहुत मतलब एक होता है बहुत टेस्टी होगा ये गाइस। तो आप लोग भी तो गाइस ऐसे ही आप लोगों को पकाते रहना है, और जब आप लोगों को लगे कि ये थोड़ा चिपचिपा हो गया तब इसे उतार देना है गैस पे, और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये चिपचिपा हो रहा है। तो गैस आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, ये चिपचिपा जब होने लगे तब इसे उतारिएगा गैस, अगर ऐसे उतार देंगे तो ये लड्डू नहीं बनेगा, और लड्डू आप बनाएंगे भी तो टूट जाएगा लड्डू। तो गैस मुझे ना पूरा अच्छा वाला लड्डू बनाना था, इसलिए मैंने इसे बहुत करीब 10 मिनट तक ऐसे ही फ्राई किया, फिर मैंने दूध ऐड किया थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कि नहीं अभी और होगा, तो गाइस मैंने और दूध ऐड कर दिया, और अभी मैं ये दूध का साथ ही फ्राई करूँगी, और ये लास्ट बार ही मैंने दूध रखा बस, अब इसके बाद मैं और भी मिल्क ऐड नहीं करूँगी गाइस। तो अभी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और दोनों को एकदम मिक्सअप होने देंगे, अगर गाइस ये मिक्स हो गया तो बहुत अच्छे से इसमें थोड़ा चिपचिपापन आएगा, और जब चिपचिपा होगा चीनी का वजह से तो गाइस वो लड्डू बनने के लिए समझिए तैयार हो चुका है। तो मेरे को पता है जो जो किचन में काम करते हैं वो थोड़ा समझ जाएंगे, और जो किचन में कभी नहीं गए फर्स्ट टाइम बना रहे हैं गाइस, तो रेसिपी को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो गाइस देखिए अब मैंने मिल्क रख दिया, इसके वजह से नीचे से भी नहीं चिपक रहा है। और गाइस जब ये मैं पहले बना चुकी हूँ और बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो गाइस मैंने इसे खाया भी था, बहुत टेस्टी बना था, ऐसा नहीं है कि ये मैंने बनाया तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ टेस्टी होगा, तो बहुत ही अच्छा था ये, मैंने खाया सच में। और गाइस देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर। और गाइस पता नहीं मेरा फ़ोन क्या हो रहा था, बार बार बीच बीच में लाइट बंद हो जा रहा था, तो इसका वजह से एक लाइट सा फिर एक उजाला लग रहा है फिर एक अंधेरा, ये देखिए गाइस अंधेरा टाइप से, तो इसे इग्नोर करिएगा प्लीज़। और देखिए मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ, ये हो चुका है अब पूरा रेडी हो गया, तो मैंने इसे गैस ऑफ करके उतार दिया। तो गाइस चलिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया, और गाइस देखिए प्लेट में निकाल के इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना, ये जल्दी ठंडा नहीं होगा,
और इसे ऐसे करके थोड़ा सा फैला दे, और उसके बाद इसे ना ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है, बस थोड़ा सा ठंडा होना है जब आप हाथ में रख सको उतना। तो गैस अगर ये ज़्यादा पूरा ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू नहीं बन पाएगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप लोग पहले इसको थोड़ा ठंडा करिए, जब हाथ में आप रख के देखिए हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे हाथ से गोल गोल बना ले रही हूँ, और देखिए ऑयल ऑयल छोड़ रहा है। तो ये गैस पूरा मैंने घी रखा था और पूरा फ्राई हो चुका है, इसलिए ये दूध भी मैंने डाला था, पता नहीं चल रहा कि मैंने दूध भी मिलाया हो। तो गैस देखिए कितने अच्छा से मेरा लड्डू बन रहा है। तो गैस देखिए मैं फटाफट लड्डू बना ले रही हूँ, मैं अब दोनों हाथ से लड्डू बना के रख दूँगी गैस, ये देखिए। तो गैस देखिए आप लोग लड्डू कितना बढ़िया लग रहा है देख के। और अब हम इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, मैंने बोला था मैं तीन चीज़ से बनाऊंगी, इसलिए मैंने तीन ही चीज़ से बनाया है। और गैस इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, जैसे अब मावा होता है ये सब मैंने कुछ नहीं मिलाया है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो भाई अच्छा गैस लगे तो अगर लाइक अच्छा लगे सब्सक्राइब वीडियो तो कमेंट कर लाइक कर दीजिएगा, और बेल दीजिएगा, आइकन एक प्रेस लाइक कर तो दीजिएगा। बनता और है। आगे का वीडियो भी